Good morning, students. Today we will do tenses. Tense. What is tense? Tense denotes the time of action as well as the state. Tense जो है उससे हमें क्या पता चलता है कि जो action है, जो work है, वो कब हुआ, क्या उसका time था, किस वक्त हुआ. तो tenses of three types. तीन तरह के tenses होते हैं. Present tense, past tense and future tense. Present tense जिसे आप हिंदी में जो है वो कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं, past tense को भूतकाल कहते हैं और future tense को आप भविष्य काल कहते हैं. तो जो tenses हैं वो three types होते हैं. There are three types of tenses, present, past and future. और present tense, हर एक टेंस का जो फोर एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इन द सेम वे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, future perfect tense and future perfect continuous. तो जो present simple है उसकी, उसमें verb की first form use होती है और उसके साथ s और es, verb की first form और प्लूरल में जो है वो जो प्लूरल है उसके साथ एस या यस लगता है. इन द सेम वे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस. तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके साथ एम इज और आर, आई और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम, शी इज़, दे आर, तो या यू आर, तो इसके साथ वर्ब की जो कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, साथ में उसके आईएनजी यूज़ होता है. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में जो है वर्ब जो है वो हैव, हैड यूज़ होती है, प्लस उसके साथ जो वर्ब की जो है हैव हैज़ के साथ वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके साथ हैज़ हैव, आई हैव, यू हैव, दे हैव और ही शी और इट के साथ हैज़ यूज़ होता है. तो ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, तो के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होता है. इन द सेम वे पास्ट फॉर्म के साथ जो सिंपल पास्ट है उसके साथ वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके साथ वर, वज और वर, सिंगुलर के साथ वज, प्लूरल के साथ वर, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी. उसके साथ प्रेजेंट, अगर पास्ट परफेक्ट फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट मतलब तो उसके साथ हैड यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ हैड के साथ बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी यूज़ होता है. इन द सेम वे फ्यूचर के साथ विल, शैल यूज़ होता है. आपके साथ, आपको पता है ना फ्यूचर, जिसमें हम कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, तो वो क्या है, दैट इज़ फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर के साथ विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ विल भी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और ing. In the same way, future perfect के साथ will have and verb की third form. Future perfect continuous के साथ will have been और verb की first form plus ing. तो for example, we will show with the examples. जैसे आपका अगर आप जो है प्रेजेंट बोल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, आप बोलते हैं आई स्टडी इंग्लिश. आई स्टडी इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. और आप यही बात अगर आप पास्ट में बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश पढ़ी थी. मतलब आपने वो काम कर लिया था, कल किया था, वो हो चुका है. और अगर आप फ्यूचर में उस काम को करेंगे तो आप आई के साथ विल लगाएंगे, आप बोलेंगे आई विल स्टडी इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ूंगा. अब कंटिन्यूअस में आपने आप आई एन जी लगा देंगे और आप बोलेंगे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मतलब जो काम हो रहा है, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, जो चल रहा है. जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश. इसी तरह अगर आप ने बोला पास्ट कॉन्टीन्यूअस, मतलब जो पास्ट में काम चल रहा था, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था. ऐसे ही आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस अगर बोलेंगे आई विल, मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश. इसी तरह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव स्टडीड, मैंने इंग्लिश पढ़ी. आपने पास्ट परफेक्ट बोला तो आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी थी. अब आपने फ्यूचर में अगर फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बोला तो आपने बोला आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश. फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो पास से स्टार्ट हुआ है वर्क और वो अभी तक चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी तक चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जो पास से काम स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे आपने बोला आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश या आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, और फ्यूचर में आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. तो आप जो हैं मतलब वो काम पीछे से स्टार्ट हुआ, पास से स्टार्ट हुआ और अभी तक शुरू, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक वो काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट है मतलब जो अभी काम चल रहा है, जो काम हो रहा है वो है प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, जो आप अभी कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट जो आपने कर लिया है, विच यू हैव कंप्लीटेड, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो आप कर रहे थे यस्टरडे, यू आर डूइंग एंड स्टिल यू आर, वो अभी भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो अभी हम आपका सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को ही डिटेल स्टडी कर लेते हैं, और प्रेजेंट टेंस से हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है. प्रेजेंट टेंस शोज द करेंट एक्शन दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म, वो एक्शन जो हो रहा है, गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. इट हैज़ फोर टाइप्स विच आर डिस्क्राइब्ड हेयर. सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस और ई एस, उसके साथ यूज़ होता है प्लूरल में
एस या ई एस यूज़ होता है। दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस इस एम और आ प्लस वर्ब की साथ आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। आई एम स्टडिंग इन हाई स्कूल, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो मतलब जो काम अभी हो रहा है या चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। थर्ड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है, साथ में उसके वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे ही हैज़ मेड दिस कलरफुल चार्ट, ये कलरफुल चार्ट उसने बनाया है। अगर हम ये बोलते हैं मतलब ही हैज़ मेड मतलब बना चुका है, या आई हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, आपने बोला कि मैंने अपनी असाइनमेंट कम्प्लीट कर दी है, तो वर्क हैज़ बिन डन, वर्क कम्प्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही आई हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, तो इसमें हैव के साथ कम्प्लीटेड मतलब ई डी लगता है या वर्क की थर्ड फॉर्म। देन आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, साथ में बीन, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 डेज, मतलब आई हैव बीन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 डेज, मतलब लास्ट 3 डेज से मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब अभी तक वो वर्क चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल गोइंग ऑन। तो जिसमें काम पीछे से हो रहा है और अभी तक प्रेजेंट डे तक वो कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, तो वो इस डिपार्टमेंट में काम करती, शी कर रही है, मतलब स्टिल शी इज़ वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले भी इस डिपार्टमेंट में काम करती है ना, स्टिल शी इज़ वर्किंग, और वो उस डिपार्टमेंट में अभी भी काम कर रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट मतलब अभी प्रेजेंट में चल, पीछे पास्ट से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी वो हो रहा है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ फॉर टुडे हम इतना ही, वी विल डू दिस मच। इसमें अगर किसी को यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, एंड अभी हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।